जुगाड़ ढूंढूंगा जिसमें मैं अपना क्वार्टर लेकर घूमूंगा और रिक्शा वाले की तरह नहीं है भाई वो। ये क्या कर रहे हैं? ये ड्रग्स है? वो कुछ ड्रग्स है और सारा खर्चा मेरा करा दी। ये सब मेरा है यार। हिंदुस्तानी पैसे उड़वाता है दूसरे हिंदुस्तानी से, मेरे इतने सारे हाथ आ जाएंगे। ये एक स्लाइस ही इतना बड़ा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू चैनल ऑफ दिस वीडियो। दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दैट आई एम डूइंग टुडे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कैसा माहौल होता है तो कभी कैसा माहौल होता है। अभी जल्दी में तो इसलिए ऐसा माहौल है। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा डिलेड चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कल ही था इंडिया का फाइनल एशिया कप का और हमने क्या हराया है श्रीलंका को। मतलब मोहम्मद सिराज ने क्या बॉल डाली है, मुझे तो मजा आ गया उसकी बॉलिंग देख के। इंडिया एशिया कप जीत चुकी है और मेरी वर्ल्ड कप की होप सब और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आई होप इस बार हम वर्ल्ड कप भी लेके जाएंगे। ये सैन फ्रांसिस्को की वो वाली जगह है जहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं नॉर्थ बीच की तरफ जा रहा हूँ जो चाइना टाउन के पास है। तो मेरे आसपास सारी वैसी वाली दुकानें हैं और कोई कोई तो ऐसी लग रही है जैसे हमारे यहाँ राशन की दुकान नहीं होती। वैसे इनके चाइना टाउन में दुकानें कुछ कुछ, मतलब सामान बाहर, चावल की बोरियां बाहर पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही वाइब है यहाँ पे। भाई मैं पहुंच गया हूँ अपनी जगह पे, कोई बोर्ड रूम करके कैफे है। आज हम यहाँ पे आए हैं भाई साहब फुटबॉल देखने। फुटबॉल वो पैरों वाला फुटबॉल नहीं भाई, पेले, नेमार, रोनाल्डो वो सब नहीं। ये फुटबॉल है अमेरिकन फुटबॉल, वो रग्बी जैसे टाइप का होता है। मुझे भी कोई रूल्स नहीं पता, मैं भी पहली बार देखने आया, तो देखते हैं कैसा माहौल रहता है। हेलो, क्या सीन है? ओ भाई जो मेरी हेल्प करने वाले है सब मिल के, तो ऐसे करके हम यहाँ पे फुटबॉल देखने वाले हैं। कुछ तो कर रहे हैं, मतलब इसमें सब ऐसे अभी मारेंगे एक दूसरे को, मारते हैं, ये लड़ाई का गेम है। तुम लोगों ने नमस्ते लंदन देखी है ना? नमस्ते लंदन में रग्बी होता है, ये सिमिलर है रग्बी की तरह। ये इसमें क्या है कि मारपीट करनी है, जिसके पास बॉल है उसके पास चढ़ जाओ। बहुत सारी फिल्मों में देखा ही होगा, हॉलीवुड फिल्म में बहुत सारा होता है, और हम तो वही भी इंजॉय करना है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैसे अमेरिकन में कैसा होता है फुटबॉल का सीन। यहाँ पे सब अंग्रेज लोग हैं मुझे समझाने के लिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे IPL में एक दिन में दो मैच होते हैं, इनके में क्या है संडे का दिन है 13 मैच है एक दिन में 13, और वो अलग अलग टीवियों पे अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सैन फ्रांसिस्को है तो यहाँ पे जो होम टीम है लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली से तो मैं RCB कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा कम रहता है। You've made it. Tell us in like 2 sentences what the whole game is about, including the rules and everything. So you have an offense and a defense. All right. Right, and the defense protects the offense. Wait, redo. Hey, pata nahi kya ho raha hai. हाफ टाइम हो चुका है तो यहाँ गाने बज रहे हैं और सब लोग ऐश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो नाच रहा है, सही है। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि ये बाहर जाते हैं, बियर पे बियर पी रहे हैं, वो कर रहे हैं और बस फुटबॉल देख रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही। अब तो इन्होंने टीवी की आवाज़ भी इतनी बढ़ा दी है, अब बहुत शोर हो गया है यहाँ पे। अब ब्लॉग करना बहुत मुश्किल है, ये जगह ब्लॉग फ्रेंडली नहीं है। ये रमनिक है, इंट्रोड्यूस, यहाँ तक अपने लोग हैं। इसके बाद हम ये जो है ये इंग्लैंड से है भाई, तो इसको क्रिकेट के बारे में पता है, तो हम तो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे। अभी यहाँ पे आ चुकी है, कोई आवाज नहीं आ रही होगी, बाद में ब्लॉग करेंगे, अभी हम इंजॉय करेंगे अमेरिका। अभी जो भी टीम को हम सपोर्ट कर रहे थे, फलानी टीम का नहीं, वो जीत चुकी है। हम गाड़ी में आ चुके हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो आदित्य गाड़ी चला रही है, अभी सही से चला लेते हैं। यहाँ पे रमनिक को हमने उठा लिया, रमनिक को यहाँ से घर छोड़ेंगे, बड़ी धूप आ रही है। तो कैसा रहा तेरा आज का संडे? ब्रो बहुत मजेदार, मैं बहुत हंगओवर था, मुझे लगा नहीं था आई विल बी एबल टू मेक इट, बट इट्स वर्थ इट। आई एम सुपर ड्रंक नाउ बिकॉज कल रात की भी थी और आज सुबह से पी रहा हूँ, तो मजा आ गया है। इन लोगों के तो बहुत पैसे इसी पे ही उड़ जाते हैं और मैं जाता हूँ हर जगह और मेरे $0 लगते हैं, इसीलिए तो मेरा तो काफी फायदा हो जाता है उस हिसाब से देखा जाए। अगली बार से मैं भी कुछ जुगाड़ ढूंढूंगा जिसमें मैं अपना क्वार्टर लेकर घूमूंगा और रिक्शा वाले की तरह। चलो सही है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। मेरी प्रायोरिटी रहती मैं तो ब्लॉग बनाता हूँ। ऐसे तीन चश्मा लगा लिए जब से ब्लॉग निकाला है, जब से कैमरा निकाला है, इसने सोचा कूल लगने के लिए इसने ये पहन लिया। मैं क्यों हूँ इस कैमरा पे हटाऊँ, पूछता भी नहीं है ऐसी। अदिति तू क्या कहना चाहेगी, तू कब से रह रही है यहाँ पे, कैसा लग रहा है तुझे? अदिति थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट, अदिति को बहुत ज्यादा ना अमेरिकन इंग्लिश आती है, चौड़ चौड़ करके बोलती है। अदिति बोल के दिखा, अरे बोलना यार, अरे बोलना।
बोलना. She speaks English, she talks English, she very much, she is very much of English in the world. She is totally English full. अरे बोलना. क्या बोलूँ? English में बोलना. English में क्या बोलूँ? Kidding. Having a lot of fun. Oh yeah. I'm having a lot of fun. वो ये देखो भाई कैसा भी हो गया fun. यार लेकिन पता है यहाँ पे सारे घर ना वो होते हैं लकड़ी के हैं. मैंने आइडिया निकाला अदिति को बोला है कि हम यहाँ पे ईंटों की फैक्ट्री लगाएंगे अमेरिका में. अभी हम लोग सैन फ्रांसिस्को के ऐसे वाले एरिया से निकल रहे हैं जिसके बारे में हमने ऐसी बातें सुनी है जहाँ पे नहीं आना होता. पर हम दिन में और गाड़ी में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है. और मतलब ये वाला इतना भी बुरा नहीं है पर हाँ ये भी बुरा है. आसपास एकदम अजीब टाइप के लोग हैं, अलग टाइप के लोग हैं एकदम. तो ये देखो ये आदमी है, कहाँ गया ये आदमी? नहीं है भाई, ये क्या कर रहा है? ये आदमी नहीं है. क्या है? औरत है. औरत है ये? है क्या हो रहा है? ये ड्रग्स है? ये ड्रग्स है? वो खुद ड्रग्स नहीं है, वो ड्रग्स पे हो सकते हैं. भाई साहब बढ़िया नशे हो रहे हैं, कर देंगे ना. चलो दम लगा के ठोक दे, से ठोक दे, से ठोक दे सामने वाले. कहाँ है एलिवेटर? यहाँ से तो नहीं जा सकते. अरे मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं लेके जानी है हमें, अभी से यही छोड़ दे. किसी ने नहीं देखा यार, इतना भी क्या रूल फॉलो करने हैं. Who made the rules यार, रेबल बनते हैं हम. तो अब हम कॉस्टको आ चुके हैं और यहाँ के लिए ना मेंबरशिप लेनी पड़ती है जो $60 की होती है. तो मेरे पास तो है नहीं क्योंकि यहाँ तो होलसेल का सामान मिलता है, तो हमारे लिए पॉइंट भी नहीं है, हम इतना सारा सामान लेंगे क्या. पर इसके पास है और पिछली बार आया था तो अर्पित भैया के पास थी. तो इन्हीं दोनों के भरोसे जी रहा हूँ मैं अमेरिका में अभी तक. तो अब देखते हैं क्या लेना है. मुझे तो ऐसा कुछ खास खरीदना है नहीं इतना, इसको खरीदना है. इसके पास तो लिस्ट है भाई साहब, हमारे पास तो लिस्ट है नहीं. मैंने कॉस्को से पहली शॉपिंग कर ली है जिसका नाम है मिल्क चॉकलेट आमंड. मुझे तो चिप्स लेने थे, चिप्स तो मिल नहीं रहे हैं कहीं. हाँ तो ले लेते हैं, एक उठा ले. अरे खुला हुआ क्यों ले रही है यार? तो ये ना यहाँ पे एक दाल मिलती है, दाल मखनी टाइप की होती है, घर की जैसी काली दाल होती है, ये ले लेते हैं बनी बनाई. दूसरी चीज जो मैंने ले ली है वो है काजू. ये रे आलमंड आलमंड. ये आदित्य देख क्या उठाया तूने, एक बार फिर से देख कौन से बादाम है ये, कहाँ खोई हुई है तू? बादाम नहीं लिखा है. ये क्या लिखा है? तो वही एक ही बात है ना, सैफ्रन बटर चिकन. हाँ तो ये ले लेते हैं यार, एक $13 में 5 बार खाने को मिल रहा है मुझे, सही हो गया ना. हाँ तो ले लो. अब मैंने ये चीज पिज्जा ले लिया है, 4 पिज्जा है इसके अंदर. यार ये आदित्य कह रही थी इसके पास लिस्ट है जो इसको कॉस्को से बड़ा सारा सामान लेना है, और इसने ब्रेड लिया है और दूध लिया है और सारा खर्चा मेरा करा दिया. ये सब मेरा है यार. ये जो बातें होती है ना कि पराये देश में हिंदुस्तानी के काम ना, हिंदुस्तानी पैसे उड़वाता है दूसरे हिंदुस्तानी के. कमाल कर दिया भाई साहब कॉस्को ने. देखो आंटी धड़ाधड़ काम कर रही है, धड़ाधड़ लगी पड़ी है भाई साहब एकदम. ये अकेली आंटी ने देखो क्रिसॉन्ट पे क्रिसॉन्ट की फैक्ट्रियां लगा दी है. $6 का इतना बड़ा डब्बा, ₹500 में देखो गाइस कितने क्रिसॉन्ट मिल रहे हैं हमें. तो हमने ये सारा सामान ले लिया है, काफी कुछ हो चुका है वैसे तो कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत सस्ता खाना है. तो जैसे $10 में जो पिज्जा है इनका, ये बहुत ज्यादा बड़ा है. अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं. इसमें यहाँ से पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, फिर भाई साहब ये लाइन है पूरी लंबी लाइन. सब लोग बेचारे अपनी पर बड़ी बड़ी ट्रॉली लेके खड़े हैं. ये पिज्जा का साइज देखना, ये मेरा हाथ है. टेबल गंदी है तो आदित्य टेबल साफ करने के लिए नैपकिन लेने गई है, क्योंकि यहाँ खुद साफ करनी पड़ती है टेबल. क्रेजी सीन है भाई साहब यहाँ. अब मैं जा रहा हूँ अपनी पेप्सी भरने के लिए. पहले बर्फ डालेंगे इसमें. वाह तो जीरो शुगर वाली लेके देखते हैं क्या मामले हैं इसके. वैसे भी काफी प्यास लग रही थी, कितनी बार भी भर सकता हूँ मैं, तो मैं भरता चले जाऊंगा इसे. और इतना सारा पिज्जा खाता चले जाऊंगा मैं. अरे जा रही है तू? अच्छा सब खुद करना पड़ता है. तो आदित्य ने तो हॉट डॉग लिया लेकिन इसमें बीफ होता है तो मैं नहीं खा रहा. तुम्हें पता नहीं साइज ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं कैसे समझाऊं. मेरा हाथ वैसे बहुत बड़ा है, मेरे इतने सारे हाथ आ जाएंगे यहाँ पे. ये एक स्लाइस ही इतना बड़ा है, हमारा एक स्लाइस में ही पेट भर जाएगा. मैं कैसे खाऊंगा खाना? ये खाना इतना आसान नहीं है और एक स्लाइस इतना बड़ा है कि आगे से पकड़ने पड़ते हैं, पीछे से पकड़ने पड़ते हैं, वरना आगे से गुड़म हो जाता है तो उसका जो सामान है वो गिर जाता है. सब समझ रहे होगे तुम लोग. एंड एज यू गाइस नो आई एम द बेस्ट फूड ब्लॉगर ऑन द इंटरनेट. मेरे हिसाब से $10 के अंदर तो भाई कमाल वर्थ इट है भाई, कमाल कर दिया इस पिज्जा ने. इसको छोड़ दे दीदी, उनकी टेबल पे ही तो जाएगा. छोड़ दे नहीं होगा यार, नहीं डांटेंगे भाई. रूड नहीं, डू डू मैं. यू कैन यूज इट. अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर. पिज्जा हमारा जो है आधा भी खत्म नहीं कर पाए हैं रिफिल, लेकिन मैंने दोबारा कर लिया है. हमारे पास बहुत ज्यादा सामान है, पूरी ट्रॉली भरी हुई है ऊपर तक भाई साहब, यहाँ तक भर रखी है. और इसकी जो डिक्की है मैडम की, इसमें जगह कम है. ये क्या है ये सब?